और इसी वजह से आज मुझे छुट्टी हो गई है, और इसके और एक साथ में ये काम था, इसको थोड़ा सा हमने रीअरेंज करना था, इसकी चीज़ें मैंने सारी इकट्ठी करके हेक्सागोन टाइप रैक है, तो यहाँ से मैंने ये उतार रही है तस्वीरें, मैं सोच रहा हूँ कि इधर लगाते हैं वो हेक्सागोन टाइप रैक, वो छत पर चढ़े हुए हैं अंकल, पता नहीं किस यानी की हो गया सत्ती सवेरे, रोला ही नहीं मुकदा पैदा। तो ये हेक्सागोन हमने इधर लगाने हैं, यहाँ एक पूरा रैक सा बनाना है, फिर इसमें हम प्लांट्स रखेंगे, हैंगिंग प्लांट्स जो होते हैं। अभी इसकी लुक ये है, मतलब लास्ट टाइम जब हमने काम किया था इसको इतना ही छोड़ दिया था, और अब जो हम इसे कंप्लीट कर रहे हैं, देखिए इस पर अब रैक लगाते हैं, हम हेक्सागोन लगाते हैं तो फिर किस तरह की लुक आती है। ये जी दो लगे हैं, ये दो लगे हैं, एक अब इधर लगाता हूँ, ये पूरा बी टाइप बनेगा, तकरीबन चार रह गए हैं, चार रह गए तो एक उधर लगेगा, एक दो इधर लगेंगे, तो ये सारा एक तो कवर भी हो जाएगा, और ये जो हमारे ये जो रैक टाइप बचे हुए हैं ये अच्छी तरह यूटिलाइज भी हो जाएंगे, और ये इससे ज़रा सिमिलर भी हो रहा है ये दोनों साइडों का ना, यहाँ भी हेक्सागोन है यहाँ भी हेक्सागोन है, पर लगा वो डिफरेंट तरीके से है, वो दूसरी तरह लगा हुआ है, ये इस तरह लगा हुआ है, हमने रैक बनाना था इसलिए इस तरह लगा है, यहाँ रैक नहीं है तो इसलिए इसकी ये जो है नीचे नोक नीचे इसकी प्लेन साइड नीचे रखनी थी। कि बाहर बाहर का हाल देख के आते हैं, देखिए पानी उतरा या नहीं उतरा, पानी तो कोई नहीं उतरा, कोई आसार नजर नहीं आ रहे, ये पानी तो बच्चे कह रहे हैं डोगी खोल के लाओ, डोगी ने पानी में पागल हो जाना है। तो खैर हम अपना काम मुकम्मल करते हैं, इसको करते हैं कंप्लीट, दिन अब छुट्टी हो गई है अल्लाह की तरफ से, तो अब इसे अच्छी तरह यूज़ तो करें ना, इसे करते हैं कंप्लीट। वैसे भी ये मैंने सोचा था वीकेंड पे करूँगा, तो अच्छा आज तक हो गया, वीकेंड पे कोई और काम कर लेंगे। ये जी लग गए हैं, ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, ये अभी तो चार लगे हैं, दो रह गए हैं, तो ये अभी दो लगाते हैं यहाँ किसी अच्छी तरीके से, और फिर इसमें रखते हैं हम प्लांटर्स रखेंगे, उसमें अच्छे अच्छे से पौधे लगा के रखेंगे, और ये मेरा जो चीज़ें यहाँ बिखा रही हुई हैं सारी, इस दोबारा सेटअप को दोबारा सही करेंगे सारा। ये जी हो गया कंप्लीट, ये सिक्स थे हमारे पास, तो ये सिक्स के सिक्स लग गए हैं, आपको दिखाता हूँ इधर से, ये सिक्स के सिक्स ऐसे लग गए हैं, एक एस टाइप बन गया, और हमारा रैक भी अच्छा ऐसा बन गया, इसमें हम प्लांटर्स रखेंगे या छोटे से टॉयज वगैरह रखेंगे। अभी तो मैं सोचूं कुछ इस पे छोटे छोटे भी रखते हैं ना प्लांट, या छोटे छोटे अभी पॉट ढूंढते हैं उन्होंने लगाते हैं पौधे, और फिर वो इसमें रखते हैं। ये हमारी जो है ये बेल है, इस पर भी फूल निकलना शुरू हो गए हैं, जब ये मैंने बनाया था सारा तब इस पर कुछ नहीं था, मतलब ये बेल ख़त्म हो गई थी, तो वो अल्लाह की तरफ से ये चल पड़ी है, यहाँ भी पिंक फ्लावर सारे निकलना शुरू हो गए हैं ये, और इसको भी करते हैं कम्प्लीट, इसके लिए लगाते हैं पौधे, लगाते हैं छोटे छोटे प्लांटर्स में। ये ले हूँ मैं प्लांटर्स लगा लिए, प्लांटर्स यहाँ पर रख रहे हैं पौधे अपने जो लगाए हैं, इसके साथ ये हैंगिंग मुझे सारा मैंने कर लिया, और ये मतलब ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये जो जो चीज़ मुझे मिली है ना वो मैंने बस यहाँ ला के रख दिया है। तो अब ये है कि मैं अब इसकी पूरी लुक आपको दिखाता हूँ, ये कितने अच्छे, ये है तो क्रिसमस के लिए लेकिन मैंने लगा लिए क्योंकि मुझे ये अच्छे काफ़ी लगे हैं। ये कम्प्लीट हो गया, इस तरह भी मैंने ये मैगनेट वगैरह लगाए हैं, अभी कुछ मैंने लगाए हैं, कुछ मैंने हादी को कहा कि वो लगा दे, और बाकी पेंटिंग्स भी लगा के कुछ फिर इसे कर देते कंप्यूटर, फिर मैं आपको सारी लुक दिखाता हूँ। अभी जो जहाँ मैं खड़ा हूँ नीचे से जगह भी सारी साफ़ करनी है। ये जी सफाई वगैरह कर ली है, सारी सेटिंग कर ली है मैंने, ये कंप्लीट हो गया,
और मैं आपको दिखाती हूँ इसमें काफ़ी चेंजिंग की है। यहाँ ये पेंटिंग्स वगैरह ऊपर ये सारा, उसके बाद ये थोड़े मैग्नेट और लगाए हैं, पता नहीं कितने पुराने पड़े हुए थे। और यहाँ भी हमने गमलों में पौधे लगा के रख दिए हैं, और जो डेकोरेशन पीसेस वगैरह जितने भी थे मेरे पास, जितने हम यहाँ यूज़ कर सकते थे कर दिए। अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस तरफ भी ये सारा कंप्लीट कुछ ऊपर चीज़ें लगी हैं, और साथ में यहाँ जो गमला पड़ा हुआ था वो हटा दिए, जगह और खुली हो गई है यहाँ ये भी। और इसके इस तरफ भी देखें सारी पेंटिंग वगैरह, वो थर्मामीटर लगा है, टेम्परेचर मेजर करता है वो सारा। मतलब ये एक तकरीबन इस सारे की एक दफ़ा दोबारा से लुक चेंज की है। कुछ साथ में पीछे ईद गुजरी है उसके लिए, और कुछ वैसे भी मैं फ्री था तो मैं सोचा कि इस पर थोड़ा काम किया जाए। अब ये मतलब पहले वाले से बिल्कुल चेंज हो गया, बस नीचे सिटिंग एरिया मतलब बैठने वाली जगह सेम है, बाकी ऊपर से जो सारी लुक जो है ना पहले वाले से चेंज हो गई है। ऊपर वो हमने लगाया कुछ हैंगिंग, साथ में बहुत सारा काम किए थे, कुछ पेंटिंग्स लगाई हैं। और अभी यहाँ बैठ के मैं स्केचिंग वगैरह ही कर रहा था, बुक्स वगैरह पढ़ रहा था, तो मतलब फ्री हो के इतनी मेहनत। ये देखे हमारी बेल जो है ना, ये कहाँ तक आ गई है, ये वहाँ नीचे से शुरू हुई थी इधर तक आ गया। ये जी मेरा ये सारा एरिया कम्प्लीट हो गया इतनी मेहनत के बाद, दो तीन दिन की मेहनत के बाद। और अब मुझे यहाँ बैठना नसीब हुआ, मैं मज़े से यहाँ बैठा। अब इसमें कोई ऐसी चीज़ रह नहीं गई जो मैं चेंज कर सकूँ, जितना हो सकता था उतना मैंने कर लिया। अब अगर ये कि अगर मैं कोई छोटी मोटी पेंटिंग्स वगैरह बनाता हूँ तो वो मैं यहाँ पीछे लगा दूँगा, वैसी जो भी जगह बनी हुई है यहाँ लगा देंगे, वरना और तो कोई चेंज के लिए नहीं है। मैंने पीछे भी तो वीडियो में आपको सारा दिखाया, सारा कम्प्लीट हो गया। अभी मैं कुछ यहाँ बैठ के स्केचिंग कर रहा था, मैं ये आपको दिखाता हूँ स्केच। बाहर से वो रिक्शे वाला गुजर ले पहले। ये कौन सा वाला खाया जाए स्केच, तो ज़्यादा अच्छा बना हो। अच्छे तो सारे ये वाले देख, ये है ये नज़र आ रहे हैं, ये देखें ये स्केच मैंने बनाया है। एक मैंने कल कंप्लीट किया था, वो दो तीन दिनों से चल रहा था, और एक मैंने अभी कंप्लीट किया यहाँ बैठ के। ये काम करने से जब मैं थोड़ा थक जाता था तो फिर मैं ये थोड़ा कर लेता था, लेकिन ये काफ़ी दिनों बाद कंप्लीट है। ये मेरी पूरी स्केच बुक है, ये जब सारी कंप्लीट हो जाएगी फिर मैं आपको दिखाऊंगा, तो मतलब बहुत मज़े की बात है। यहाँ बैठ के मैंने सारी बनाई है, यहाँ बैठ के अच्छी बनती है। तो ये आपको एरिया कैसा लगे इसके बारे में मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और भी अगर ये मेरी स्केच बुक कम्प्लीट होगी, मैं इसका भी पूरा मतलब ट्यूटोरियल बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा, इंशाल्लाह एक हफ्ते तक ये कम्प्लीट हो जाएगी, फिर भी पूरी मैं दिखाऊंगा। बहुत अच्छी जो है ये स्केच बुक बन रही है।